सो वेल गाइस, रेडमी की नोट 11 सीरीज के रिगार्डिंग काफी कमाल की खबर आ चुकी है कि स्मार्टफोन में आपको 200 मेगापिक्सल का वर्ल्ड का पहला कैमरा, इसके अलावा को कर्व्ड डिस्प्ले भी मिलने वाली है। सो भाई, रियलमी की 9 सीरीज कहाँ पीछे रहने वाली है? रियलमी की 9 सीरीज बेसिकली रेडमी की नोट सीरीज को कम्पीट करने के लिए लॉन्च होने वाली है। सो भाई, रियलमी 9 प्रो से रिगार्डिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग और कमाल की खबर आ रही है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी 9 प्रो के बारे में, जो कि भाई काफ़ी दांसू और किलर फोन होने वाला है। सो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो वेल गाइस, रियलमी की तरफ से काफ़ी तगड़ी खबर है कि इस स्मार्टफोन के अपर वेरियंट जो कि 9 प्रो होने वाला है, इसमें आपको कर्व्ड डिस्प्ले मिलने वाली है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज़ प्लस HDR10 का सपोर्ट तो देखने को मिलेगा ही। इसके अलावा 6.6 इंच के FSD प्लस सुपर एमुलेट पैनल भी देखने को मिल जाएगा। सो भाई, डिस्प्ले के रिगार्डिंग काफ़ी किलर स्मार्टफोन होने वाला है और आपको बजट में भी अब कर्व्ड डिस्प्ले का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। सो नो डाउट भाई, वीडियो और कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी कमाल का होने वाला है। इसके अलावा इस फोन में आपको काफी तगड़ा और गेमिंग लेवल का प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 778 भी मिलने वाला है, जो कि LPDDR4X रैम साथ ही में UFS 2.0 की स्टोरेज के साथ देखने को मिल जाएगा। साथ ही में ये प्रोसेसर 5G की कनेक्टिविटी को तो सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में मल्टीपल 5G बैंड्स के सपोर्ट के साथ देखने को मिल जाएगा। सो वेल गाइस, नो डाउट गेमिंग के एक्सपीरियंस भी काफी कमाल का होने वाला है। इसके अलावा इसमें आपको रियर में क्वाड कैम सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2-2 मेगापिक्सल का डेप्थ और मैक्रो सेंसर तो मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको टॉप कॉर्नर राइट साइड के अंदर आपको पंचोल में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिल जाएगी। सो भाई, हायर मेगापिक्सल और लेटेस्ट SoC होने के कारण आपको काफी अच्छी कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक। सो वेल गाइस, बैटरी से रिगार्डिंग अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बट चार्जिंग में आपको 65W की सुपर डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। सो काफ़ी अच्छी बात है कि आपको मिड रेंज में 65W की चार्जिंग एटलीस्ट रियलमी की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। सो ऑलराइट गाइस, अब बात आती है इसकी प्राइस और लॉन्चिंग की। तो भाई, ये स्मार्टफोन आपको सितंबर में लॉन्च होता हुआ दिख सकता है। साथ ही में इस स्मार्टफोन के 6128 वेरियंट की प्राइस under 20K के होने वाली है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग और कमाल का स्मार्टफोन होने वाला है। सो इस स्मार्टफोन से रिगार्डिंग फ्यूचर में कोई भी अपडेट आती है तो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, बाय एंड टेक केयर।